नमस्कार दोस्तों, मैं सरवंत सिंह। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों में बीजेपी को भारी बहुमत मिला, वहीं बहुजन समाज पार्टी को 403 विधानसभा सीटों में से केवल एक सीट ही मिली। बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी नतीजे आने से पहले अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद पार्टी को खाता खोलना तक भारी पड़ गया। इसके बाद नाराज मायावती ने अपना गुस्सा मीडिया पर उतारा। उन्होंने घोषणा की है कि पार्टी का कोई भी प्रवक्ता टीवी डिबेट में शामिल नहीं होगा। मायावती ने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी विधानसभा आम चुनाव के दौरान मीडिया द्वारा अपने आकाओं के दिशा निर्देशन में जो जातिवादी द्वेषपूर्ण व घृणित रवैया अपनाकर अम्बेडकरवादी बीएसपी मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है, वो किसी से भी छिपा नहीं है। इस हालत में पार्टी प्रवक्ताओं को भी नई जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के सभी प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया, धर्मवीर चौधरी, डॉक्टर एमएच खान, फैजान खान व सीमा कुशवाहा अब टीवी डिबेट आदि कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने अपनी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर कहा था कि इस बार मुस्लिम समाज बसपा के साथ तो लगा रहा, मगर इनका पूरा बोर्ड समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। इससे इस बार बसपा को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि मुस्लिम और दलित वोट मिलते तो परिणाम अलग आए होते। हमको भरोसा है कि सफलता एक दिन हमारे कदम चूमेगी। बसपा ही भाजपा को रोकेगी। बसपा को मेहनत का फल नहीं मिला, हम संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष रंग लाएगा। मायावती ने इसके साथ ही जनता, कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों का आभार जताया। आपको बता दें कि गुरुवार को जारी हुए चुनाव परिणामों में भाजपा गठबंधन ने 273 सीटों पर जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर पहुंची सपा ने 125 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। बसपा को सिर्फ एक सीट ही मिली। तो इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार।